वहाँ पे काम कर रहा है ना, अंदर बदलाव क्या होता होगा छोड़ो, अंदर क्या काम हो रहा है उसमें? उसमें मसाला बनाता है और घर बनाता है। अच्छा, बस वहाँ पे घर बन रहा है अंदर। हाँ। जैसे जैसे बोल रहा है ना कि ककोलत बंद था। हाँ। बंद क्यों था? बंद क्यों था? जब आ गया था बाढ़ पूरा, हाँ तो उसने बनाया घर, तो जानता है कुछ टूट फूट गया होगा ना। हाँ, हाँ। ये प्रॉब्लम कितना खतरनाक हो सकता है आप लोग खुद सोच सकते हो गाइस, तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए इन लोगों को। ओ फाइनली गाइस, क्या यार इतना लॉन्ग डिस्टेंस अपन लोग तय करके आए, लाइक 90-95 किलोमीटर बाइक राइड करके आए, और यहाँ पे आने के बाद पता चलता। सो गाइस, ये सामने की साइड देखो, फुटबॉल एक फ्लोर पे रखा हुआ है बिल्डिंग पे, छोटा सा पतला सा प्यारा सा नन्हा सा ये बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा फुटबॉल है। तो जैसा कि देख सकते हो गाइस, ये अपना R15 भाई, मतलब बाइक का तो हाल बेहाल हो चुका था जब अपन लोग उधर से आए थे देवघर से। ये अपना एक दूसरा हाथ का ग्लव्स है, और फिर ये देखो अपना हेलमेट में फिक्स हो चुका है अपना GoPro 12, तरफ से एकदम पैक किया हुआ। और बीच से जाओ, मतलब फ्लाईओवर पे ऐसा रहना चाहिए, उधर के साइड सारा कवर है, देख रहे हो ग्लास की तरह सारा लगाया हुआ है, ताकि कोई भी, जो कि मैं फर्स्ट टाइम पहनने वाला हूँ आज अपना राइडिंग शू, क्योंकि समझ रहे हो ना थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस है। हालांकि पिछला वाला हम ना जब अपन लोग देवघर गए थे उस टाइम नहीं पहने थे, लेकिन आज इसको यूज करने वाले हैं। प्लस ये अपना ग्लव्स है, राइडिंग ग्लव्स जा रहा है, जो मेरे से लग रहा है रेस करने के लिए सोच रहा है, तो चलो इससे आगे ही निकलते हैं अपन लोग भाई, क्योंकि ये सब गाड़ी रेस करेगा तो भाई, और भी तो है ना गाड़ी रखा हुआ है ना मेरे लिए रेस करने के लिए, लाइक क्या। तो जय श्री राम गाइस, हर हर महादेव, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे, और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइस देख रहे हो मेरा हाथ में हेल्थ ग्लव्स लगा हुआ है, और अभी अपन लोग निकले हैं नवादा की तरफ, क्योंकि नवादा में ककोलत है ना, नवादा के आगे ककोलत वाटरफॉल, उसका उद्घाटन है आज, उसमें माननीय नीतीश कुमार जी आ रहे हैं उसका उद्घाटन करने के लिए। और फिर एक तो ये हो गया कि अपन लोग उद्घाटन का खुशखबरी के लिए वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं, दूसरा खुशखबरी ये है कि कल रात में 9:30 अपना चैनल पे 2K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गया। सो उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग का लव और सपोर्ट प्यार करने के लिए थैंक यू और शुक्रिया यार, आप लोग बस ऐसे ही मेरे पे प्यार बरसाए रखो, और मैं ऐसे ही अच्छा अच्छा सा वीडियो लाता रहूँगा। और आप लोग फिर यार चैनल को जितना सब्सक्राइब करोगे ना, जितना शेयर करोगे ना, उतना सब्सक्राइबर बढ़ेगा, तो उससे और भी ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलेगी, और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तो मैं अभी आ चुका हूँ पास में, मैं अभी आपको सारा कुछ दिखाता हूँ, लाइक अपना हेलमेट में अपना सारा कुछ माउंट कर लिए, चिनक जो भी अपना है ना, GoPro ये सब, क्योंकि आज अपन लोग मोटो ब्लॉगिंग करने वाले हैं डायरेक्ट, क्योंकि बहुत दिन से ना मैं मोटो ब्लॉगिंग नहीं किया था, नॉर्मल सा ब्लॉगिंग करते थे, लेकिन आप सोचिए यार चलो जब मेरे को 2K कंप्लीट हुआ है ना, तो इसके लिए स्पेशल एक मोटो ब्लॉगिंग कर देते हैं। फाइनली गाइस देख सकते हो, ये अपना GoPro है, GoPro 12, इससे अपन लोग सारा कुछ निकाल चुके हैं, लाइक ये दो अपना बैटरी, एक ये बैटरी प्लस ये उलंजी का बॉक्स है जो कि हेलमेट फिक्स होगा, प्लस ये अपना एडेप्टर है, और फिर ये शू जो कि मैं फर्स्ट टाइम पहनने वाला हूँ आज अपना राइडिंग शू, क्योंकि समझ रहे हो ना थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस है। हालांकि पिछला वाला हम ना जब अपन लोग देवघर गए थे उस टाइम नहीं पहने थे, लेकिन आज इसको यूज करने वाले हैं। प्लस ये अपना ग्लव्स है, राइडिंग ग्लव्स, और फिर ये अपना हेलमेट जिसमें अपना चिन माउंट फिक्स है, बस अपने को GoPro उलंजी बॉक्स में डालनी है और उलंजी बॉक्स को उसमें फिट करनी है। तो जैसा कि देख सकते हो गाइस, ये अपना R15 भाई, मतलब बाइक का तो हाल बेहाल हो चुका था जब अपन लोग उधर से आए थे देवघर से। ये अपना एक दूसरा हाथ का ग्लव्स है, और फिर ये देखो अपना हेलमेट में फिक्स हो चुका है अपना GoPro 12। हेलो गाइस, जैसा कि देख सकते हो अपन लोग अभी आ चुके हैं बाइक पे, और ये अपना R15, और फिर ये मेरा ग्लव्स जिसको अभी अपन लोग हाथ में डालने वाले हैं। सो ये देख सकते हो यार, ये अपना हाथ में आ चुका है, और मैंने यार आज सोचा ना यार इतना ज़्यादा धूप है ना, कि यार चलो आज हाफ टी शर्ट में ही चलते हैं, बाकी वहाँ पे अपना शर्ट जो लाए हैं वो पहन लेंगे। तो अभी अपन लोग अपना कैमरा को पूरे अच्छे तरीके से सेट कर चुके हैं, और जैसा कि देख सकते हो आप लोग भी, बाइक दिख रहा है, और थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा इसको यार, ये मतलब थोड़ा सा सेटिंग में ऐसा होता है ना, कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो चलो कोई ना, फाइनली गाइज अपना हो चुका है बाइक स्टार्ट, ये देख सकते हो, मतलब मैं काफ़ी दिनों के बाद यार मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, तो उसको माफ़ करना गाइज। और फिर अभी यहाँ से अपन लोग निकलते हैं,
सो जैसा कि देख सकते हो अभी दूसरा गियर पे अपन लोग स्टार्ट किए हैं और ये लो स्टार्ट हो चुका अपना। सामने के साइड हाईवे है और यहाँ से कंटिन्यू गाइस अपने को चलानी है टोटल 100 किलोमीटर, क्योंकि ककोलत वाटरफॉल यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास है, तो 100 किलोमीटर जानी है अपने को विथ R15 के साथ। देख सकते हो सामने के साइड इधर 4 लेन बहुत ही अच्छे तरीके से बन चुका है और सामने की साइड नज़ारा देख रहे हो, क्या ही मस्त वाला नज़ारा आ रहा है ना। प्लस अपना इधर का रोड देखो गाइस, मस्त एकदम रोड दिख रहा है, बहुत ही प्यारा सा रोड दिख रहा है। मेरे को तो ऐसा लगा था ना भाई, मतलब अभी तक कब तक कंप्लीट होगा, 2024 तक बोला था कि एंड तक कंप्लीट होगा, लेकिन ऐसा लग रहा था, लेकिन अभी तो लग रहा है यार 2024 एंड तक पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि देख सकते हो यार ये राजगीर का पहाड़ दिख रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। देख रहे हो इधर के साइड अपन लोग फ्लाईओवर पे हैं, सामने के साइड देख रहे हो नवादा वाला फ्लाईओवर पे हैं। लाइक आगे जाएंगे ना तो नवादा और नीचे के साइड इधर देखो भाई, मतलब क्या ही भीड़ है एकदम, मतलब खेती वेती कितना नेचर, इधर का नेचर कितना अच्छा होता है ना गाँव का, वो देखो प्लस पहाड़ भाई। ये देखो भाई यहाँ का सीन कितना मस्त लग रहा है, देख रहे हो दोनों तरफ से एकदम पैक किया हुआ और बीच से जाओ, मतलब फ्लाईओवर पे ऐसा रहना चाहिए। उधर के साइड सारा कवर है, देख रहे हो ग्लास की तरह सारा लगाया हुआ है ताकि कोई भी नीचे जंप वंप ना करे, प्लस कुछ बाई चांस टकराया भी ना तो गिर ना पाए, इसीलिए दिया हुआ है साइड टू साइड। और इधर के साइड देखो, प्लस ये रॉन्ग साइड से आ रही है भाई ट्रक, ये गलत बात है यार, ये रॉन्ग साइड से नहीं आना चाहिए भाई। और सामने की साइड उधर देख रहे हो पहाड़ भाई, काफ़ी प्यारा लग रहा है ना पहाड़ बहुत ही। सो नाउ गाइस चेक करो यार सामने का सीन, चेक करो भाई, मतलब काफ़ी अच्छा सीन लग रहा है ना। ये देखो भाई ऊपर से नीचे के साइड जा रहा है, नीचे का सीन बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई, बहुत ही प्यारा। मतलब सोचो यार, कभी ऐसा सोचा नहीं था कि बिहार शरीफ भी अपना जो बिहार है ना, इधर बाईपास था ना, इधर बहुत ही गंदा बाईपास था यार, बहुत ही पतला सा था। लाइक ये जो मैं लेन में चल रहा हूँ ना, एक दो लेन देख रहे हो, बस इतना चौड़ा ही था, एक ही दो लेन ऐसा ही था चौड़ा, एक ये और एक ये, बस यही इतना ही चौड़ा था पहले का बाईपास। लेकिन अभी के साइड देखो ना तो ये वन साइड है, उधर के साइड दूसरा साइड है, तो सोच सकते हो आप गाइस कि पहले का बिहार शरीफ अभी का बिहार शरीफ में क्या ही डिफरेंस आ चुका है, क्या ही बदलाव हो चुका है। तो पहले तो यार बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था बहुत ही ज़्यादा। मेरे को याद है आज भी जब मैं बोकारो गया था इसी रास्ते, उस टाइम ये 4 लेन स्टार्टिंग हुआ था, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, मैं 4 व्हीलर से जा रहा था, इतना गंदा रास्ता था ना भाई, इतना गंदा कि कुछ बता ही नहीं सकते भाई, इतना गंदा रास्ता था। बट फाइनली अभी तो देखो यार, वही बोलते हैं ना स्टार्टिंग करते करते ना उस टाइम सिचुएशन गंदा आता है, लेकिन जब धीरे धीरे कंटिन्यू होता रहता है ना, कंटिन्यू बनता जाता है ना कुछ भी, तो और भी आसान होता जाता है, प्लस और भी उस पर बहुत ही ज़्यादा स्मूथनेस आती है। इसका मतलब सोचो यार, ये लाइफ के बारे में भी है एक तरह से, इसको मानो ना तो ये एक मोटिवेशन वाला है कि आप लोग कोई भी चीज़ का शुरुआत कर रहे हो ना, तो उस टाइम कठिनाई आपको जाहिर सी बात है फेस करना पड़ेगा, लेकिन जब उसे फेस करना सीख जाओगे ना तो हर कुछ आपको आसान लगेगी, प्लस जो भी पीछे छूटता जाएगा ना वो बहुत ही अच्छा मोमेंट देगा गाइज आपको, आगे का जो भी आने वाला होगा वो मेमोरी, वो बोलते हैं ना मेमोरी पॉइंट, वही होती है गाइज। तो देख लो यार ये पहले का रोड था, लाइक पहले कैसा रोड था और अभी का रोड देखो इधर का, अपना जर्नी भी देखो ना, 0 से स्टार्ट किए थे और फाइनली 2 के पहुंच गए हैं आपका प्यार और सपोर्ट के कारण ही गाइस। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते ना तो मैं कभी 2 के नहीं पहुंचता, लेकिन आप लोग का प्यार बहुत ही मेरे को बहुत ही ज़्यादा आप लोग सपोर्ट किए, प्लस मैं स्पेशली 2 जन का नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि देखो आप लोग वॉच करते हो ये मेरे को पता, आप सभी लोग सपोर्ट करते हो, लेकिन 2 ऐसा है ना
जो मेरा कोई भी वीडियो पे उठा के देख लो ना, तो उस पर कोई कमेंट करे या ना करे, उन दोनों का कमेंट आता है। तो उन दोनों का नाम मैं बहुत ही जल्द बताने वाला हूँ, बस वीडियो को वॉच करते रहना, मैं नाम बताऊँगा उन दोनों का। क्योंकि उन दोनों का ना सपोर्ट मेरे को हर जगह मिला है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, तीनों प्लेटफॉर्म पे मेरे को सपोर्ट मिला है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला है। तो उन तीनों का नाम तो भाई बोलना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा ना। तो थैंक यू यार, खास करके उन दोनों के लिए। अगर दो समझ गए होगे ना, तो समझ ही गए होगे मैं किनका नाम लेने वाला हूँ। तो बस वीडियो बने रहो, मैं नाम बताऊँगा। फिलहाल ये सामने की साइड देख रहे हो भाई, ऑटो पे ऐसे ही चार जन खड़े हैं भाई, ऐसा नहीं करने का भाई, ऐसे नहीं खड़ा होने का ना। ये प्रॉब्लम कितना ख़तरनाक हो सकता है, आप लोग खुद सोच सकते हो गाइस। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए इन लोगों को, ये बहुत ही ख़राब चीज़ है, बिल्कुल ही बेकार तरीका था इन लोगों को। बट फाइनली गाइस, अभी तो अपना सारा कुछ चल रहा था, ओके था। मेरे को ऐसा लगा ना कि अपना माइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं, माइक में कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो अभी अपन लोग रोक के चेक किए हैं, तो सारा कुछ सही है। प्लस देख सकते हो यहाँ पे अपन लोग रोके थे और यहीं पे चेक कर रहे थे अपना बाइक, सारा कुछ, हेलमेट है सब, तो अभी परफेक्ट है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं अपन लोग। छोटा सा, पतला सा, प्यारा सा, नन्हा सा ये बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा फुटबॉल है। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ पता है, मेरे को ना बच्चे से बहुत प्यार है यार। मैं ना कोई भी बच्चा छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा देखता हूँ ना, बहुत प्यार आता है, पुचकारने का मन करता है। तो मेरे को अचानक से फुटबॉल दिख गया ना, तो वही याद आ गया यार, सिट यार। तो चलो कोई ना गाइस, देख सकते हो सामने की साइड व्यू। और मैं ना थोड़ा सा नवादा में कंफ्यूजन हो गया था, किधर के साइड से ककोलत जाना है। तो मेरे को किससे पूछना पड़ा, तो उन्होंने बताया फ्लाईओवर चढ़ो, फ्लाईओवर से सामने एकदम चले जाओ 16 से 17 किलोमीटर, उसके बाद किसी और से पूछ लेना, ऐसा बोले। भाई ऐसा नहीं बोलने का ना, डायरेक्ट बोल दो यार, नहीं पता है, बट ऐसे बोल देते हैं यार, तो मतलब समझ जाओ यार, मतलब क्या अपना सीन हो जाएगा। और पटोरी, ये देखो, ये तो वही रांची वाला रूट में अपन लोग आ गए हैं, तो इधर के साइड ये क्या, पहले अपन लोग पूछ लेते हैं यार किसी से, पहले पूछ लो तो बेटर होगा। भैया ककोलत वाटरफॉल। सो गाइस, सामने की साइड ककोलत वाटरफॉल, इधर के साइड से ही जाना, मतलब सही रूट में आ गए यार, 16 से 17 किलोमीटर बोले थे, और मैं नहीं भी तो मानो 7-8 किलोमीटर ही चला था, तो समझ रहा। तो इसीलिए भाई थोड़ा सा और वक्त लगेगा अपने को यार। मर्सिडीज काफ़ी दिनों के बाद दिखा है मेरे को इधर, तो चलो मर्सिडीज को रपेटते हैं अभी यार, उसके पास लेके चलते हैं। हालांकि छू तो नहीं पाएंगे, क्योंकि समझ रहे हो मर्सिडीज मर्सिडीज है, और अपना R15 भी उससे कम नहीं है अगर मानो तो। रोड का किंग तो अभी यही चल रहा है फिलहाल के टाइम में, आने वाला समय क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा गाइस। जो कि आने वाला टाइम शायद मैं थोड़ा सा अपग्रेड हो जाऊं, तो मैं बेटर हो जाऊंगा शायद, ये वक्त बताएगा गाइस आगे का आने वाला टाइम। बट अभी देखो ना कितना स्पीड खिंचा गया, 88-90, मतलब वो 100 का स्पीड से भाग रहा है ये भाई साहब। ये था मतलब, ये अचानक से टर्निंग ये लोग लेने लगते हैं ना, उसमें ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है यार। अभी देख लो, अभी सही चल रहा स्पीड, ये देख रहा हूँ 92 चल गया भाई, वो तो मतलब 100-110 से ऊपर का स्पीड में गया होगा ना मर्सिडीज वाला। भाई साहब मेरा 95 चला गया, देख सकते हो भाई। और यहाँ पे 98, अरे यार हट जा यार, रुक जाना भाई, 102, ये हुआ ना बात भाई। अब भी देखो स्पीड यहाँ पे चेक होता है ना, ऐसा खाली खाली टाइम में ना भाई, मतलब जो स्पीड टेस्ट होती है ना, ऐसा ही रोड में स्पीड टेस्ट होता है बाइक का, कितना स्पीड जाता है। बट अभी तो पूरा स्लेटर अपन लोग नहीं दिए हैं, अगर देंगे तो और भी ज़्यादा जाएगा। ये देखो, ये देखो अभी थोड़ा सा और स्पीड दी, 110 का गया, 112 भाई। मैंने कभी ऐसा ट्राई नहीं करा था भाई, 116-120 तक आज तक मैंने ट्राई नहीं करा था, लेकिन अभी मैं ट्राई कर लिया। और सामने के साइड है आदमी भाई क्रॉस करते हुए, इसी कारण से अपना बाइक को स्लो कर लो, क्योंकि भाई और भी लोगों को देखनी है ना,
तो भाई सबको सेफ रखना, खुद भी सेफ रहना, तो भाई गाड़ी तो स्लो चलाना पड़ेगा ना बाइक। बट हाँ फाइनली गाइस आप लोगों ने तो देखा ना यार, मतलब 120 मतलब यार स्पीड गजब नेक्स्ट लेवल वाला था यार। गाइस अपन लोग थोड़ा सा रॉन्ग वे में चले गए थे, आगे चले गए थे, लाइक यहाँ ब्रिज से ना फ्लाईओवर के नीचे से एक चौक है, उससे अपने को राइट लेना है, तो रॉन्ग साइड से थोड़ा सा जा रहे हैं क्योंकि फ्लाईओवर के नीचे आ गए ना, तो उस तरफ हो नहीं सकते थे, इसी कारण से इधर से ही अपन लोग जा रहे हैं रॉन्ग साइड से। तो थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट हो जाती है, हालांकि ज़्यादा रॉन्ग साइड चलना खुद के लिए प्लस दूसरों के लिए डेंजरस साबित होता है, लेकिन ये थोड़ा सा समझ सकते हो आप भी क्योंकि उसके लिए बहुत ही आगे, जो कि मेरे को नॉलेज नहीं है। और इधर के साइड ये शायद यही एक चौक है, तो किससे पूछ लेते हैं पहले। ककोलत बटरफॉल, ककोलत बटरफॉल सामने ही। हाँ आज ही आ रहा है। सो फाइनली गाइस इधर के सामने ही जा रहे हैं भाई। ये लोग ऐसा होते हैं ना, रेस्पेक्ट भी नहीं करते, प्लस इधर का मार्केट देखो और आगे ककोलत बटरफॉल ये देख रहे हो, इधर चूड़ी ये सब सारा कुछ मिलता है। मैं ना मम्मी के लिए यार देवघर गया था ना, तो मेरे को चूड़ी लेना था, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं रहा यार, और मैं मतलब अफसोस कर रहा हूँ यार, उस टाइम याद नहीं रहा, थोड़ा सा सिर्फ पापा के लिए काढ़ा लिए थे हाथ पे पहनने वाला बाला, और मम्मी के लिए नहीं ले पाए यार, मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं रहा था, प्लस साइज भी नहीं था पता ना, क्योंकि लेडीज लोग का साइज अलग अलग होता है ना, इसीलिए। इधर का मार्केट देखो, अपन लोग का ककोलत वाटरफॉल ही जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले इधर का मार्केट देखो। नीतीश कुमार जी अगर आएंगे तो गाइस इधर से मतलब कैसे आएंगे यार, मतलब सोचो उनका रूट अलग होगा या फिर यही रूट से आएंगे। मेरे को तो ऐसा लग रहा है दूसरा रूट से आएंगे, क्योंकि ये वाली रूट देख रहे हो जाम भी कितना है, प्लस शायद वो आएंगे तो उस टाइम तो फोर्स ही सब रहेगी ना, तो सारा क्लीन करवा ही देगी मेरे को ऐसा लग रहा है। बट अभी तो यार बहुत ही ख़राब जगह है ये, मैं ऐसा बोल रहा, रोड इतना ख़राब है ना, इतना घटिया है ना कि मैं बता नहीं सकता हूँ भाई। इतना जो भी अच्छा अच्छा जगह होता है ना, उधर का रोड ही क्यों ख़राब होता है यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। जो भी अच्छा अच्छा सा लोकेशन होता है ना, वहाँ का रोड एकदम ख़राब होता है, प्लस जो भी धार्मिक स्थल होती है ना, वहाँ का भी रोड एकदम ख़राब होती है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। जो धार्मिक स्थल होती है ना, वहाँ का तो रोड की बात ही मत करो यार, एकदम ही घटिया करके रखते हैं लोग एकदम रोड। भाई जो बोलते हैं ना वाटरफॉल, वैसा वाला सीन लग रहा है अभी, देख लो एकदम चारों तरफ उधर के साइड पहाड़ और इधर के साइड सामने देखो ट्रक। भाई मतलब ये लोग अपना एरिया छोड़ के ना दूसरों का एरिया में चढ़ता है लोग, तो होगा तो यही ना भाई, यही लोग के कारण एक्सीडेंट ये सब भी होती है कि अपना एरिया छोड़ के दूसरा के एरिया में चढ़ जाओ। मान लो कि यहाँ पे लाइन डिवाइड नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतना ओवरटेक मत करो ना जिससे लोगों की जान चली जाए। प्लस ये देखो धान कवाड़ रहे हैं और फिर रोपेंगे मोड़ी के रूप में, लाइक वो वाली खेत में रोपाएगी अभी, उधर दिख रहा है वो वाली खेत में। तो भाई इधर का एरिया तो काफ़ी प्यारा लग रहा है, एकदम मस्त वाला लग रहा है, अपना गाँव का फीलिंग्स दे रहा है गाइस, लेकिन मेरा गाँव से थोड़ा सा और ब्यूटीफुल लग रहा है ये वाला। अपना गाँव का बड़ाई करना चाहिए, लेकिन भाई जो सच्चाई है वही बोलना पड़ेगा ना। ये चेक करो भाई, मतलब क्या ही अलग लेवल का फीलिंग्स आ रहा ना, प्लस धूप नहीं है तो क्या मस्त लगता है। रोड देख रहे हो एकदम चौड़ा चौड़ा सा, प्लस दोनों साइड देखो गाइज मतलब कितना ग्रीनरी एकदम लग रहा है, पूरा हरा भरा एकदम, प्लस सामने एक साइड उधर पहाड़ भी है, और ये देखो भाई क्या ही प्यारा सा मौसम लग रहा है यार। मेरे को ना ऐसा लग रहा है आई लव दिस प्लेस। ये देखो इधर के साइड भाई, मतलब आरी हम लोग बोलते हैं जो डिवाइड किया हुआ है ना उसको आरी बोलते हैं भाई, कितना चौड़ा चौड़ा सा आरी है देख रहे हो यार। ये वाली मजा ना पहले क्यों नहीं दिखा था यार, सिर्फ झारखंड में ऐसा नज़ारा दिखा था गाइस, और फाइनली अभी यहाँ पे भी यही नज़ारा, लाइक उधर भी देख लो ना तो वैसा ही नज़ारा मस्त वाला, इधर भी वैसा ही नज़ारा भाई, नज़ारा ही नज़ारा है भाई। तो मेरे को ऐसा लग रहा है ना आई लव दिस प्लेस भाई, मेरे को प्यार हो गया इस जगह से। रो भाई क्या ही मस्त वाला लग रहा है, पेड़ पे झूला ऐसा झूल रहे हैं सारा बच्चे लोग, प्लस यहाँ पे बैठ के कुछ लोग खाना पीना खाते हैं। और इधर का एरिया गाइस इधर का मतलब गांव टाइप का लग रहा है, काफ़ी प्यारा सा लग रहा है मेरे को। इनसे पूछना ज़रा, इनसे पूछो बटरफॉल। फाइनली गाइस अभी अपन लोग मुड़ चुके हैं ककोलत बटरफॉल का रूट में, प्लस यहाँ पे पेट्रोल पंप आते के साथ आपको दिखेगा। और इधर का रोड देखो ना, तो सही मेरे को बोला था एकदम आउटडेटेड रोड मिलेगा। आउटडेटेड मीन्स क्या बोलते हैं ना इसको, क्या बोल सकते हैं अपन लोग, जैसे का रोड अभी बन चुका है ना,
वैसा रोड इधर का नहीं रहेगा, लाइक बना है लेकिन टूटा फूटा सा ही लगेगा, पहले ऐसा ही टूटा फूटा लगेगा, बट कुछ कुछ तो सही है। अभी देखो इधर साइड का पीच हुआ है एक साइड में, लेकिन और भी साइड टूटा फूटा है। प्लस ये देखो इधर का खेत का जुताई हुआ है धान ये सब रोपने के लिए, मोरी बुनने के लिए। और सामने का लोकेशन देख रहे हो एकदम पहाड़ के साइड ही जाते जा रहे हैं। प्लस अपना अल्टो 800 जो भी है वो जा रहा है, जो मेरे से लग रहा है रेस करने के लिए सोच रहा है। तो चलो इससे आगे ही निकलते हैं अपन लोग भाई, क्योंकि ये सब गाड़ी रेस करेगा तो भाई और भी तो है ना गाड़ी रखा हुआ है ना मेरे लिए रेस करने के लिए। लाइक मैं तो निकल गया, अब किधर जाना है भाई, सामने ही जाना है क्या? इधर की साइड तो गांव चला जाएगा और सामने की साइड वाटरफॉल, बांस गड़ा हुआ है शायद, क्यों ऐसा क्यों गड़ा हुआ है? ये मेरा फर्स्ट टाइम है ना, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर ऐसा क्यों, बट ऐसा लग रहा है कि आप लोग बाई चांस कहीं टकरा गए तो। अच्छा पार्किंग इधर है, इधर पार्किंग होगा मेरे ऐसा ख्याल से। प्लस मेरे को कुछ भी नॉलेज कुछ पता नहीं चल रहा है यार, बस मेरे को ना लोकेशन बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही डिसेंट सा बहुत ही प्यारा सा लोकेशन लग रहा है अपने को। प्लस ये चेक करो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इधर बाइक को लेके जाना वर्जित है, ऐसा होगा शायद। ककोला जल प्रबंधक बंद है, बंद है, एक मिनट, इधर बाइक नहीं जा सकता है, बंद है, आज ओपनिंग है ना, कैंसिल हो गया। अरे यार तो कब होगा ओपनिंग? गाइस सो यार कैंसिल हो गया भाई, सो इतना डिस्टेंस तय करके अपन लोग आए और अभी कैंसिल हो गया यार। तो सोचो यार गाइस, मतलब थोड़ा सा के कारण, लाइक देख सकते हो आप इधर ही अपना बाइक पहले रोकते हैं। सो गाइज कैंसिल हो गया यार। फाइनली गाइज, क्या यार इतना लॉन्ग डिस्टेंस अपन लोग तय करके आए, लाइक 90-95 किलोमीटर बाइक राइड करके आए और यहाँ पे आने के बाद पता चलता आज कैंसिल हो चुका है ओपनिंग। तो क्या ही कर सकते गाइज, लक बैड लक है भाई, अपना बैड लक ही बैड लक है। कल भी वैसा ही बैड लक हुआ था, नहीं जा पाया तो उधर, आज भी वैसा ही बैड लक की इधर ककुलत ओपनिंग आज नहीं है। प्लस यहाँ पे कुछ बन रहा था, नया ककुलत बन रहा था, वही कंप्लीट हो चुका था, इसीलिए आज ओपनिंग था। लेकिन ओपनिंग से पहले ही इन्होंने बताया कि आज बंद है। तो देख सकते हो गाइस ककोलत जल प्रपात बंद है, आज ओपनिंग था आज बंद है। तो चलो कोई ना, बस यहाँ पे ना कुछ बना नहीं, मतलब वैसा ही पहले वाला ही था, लेकिन थोड़ा बहुत सेपरेट किया गया ना उसी के लिए। तकरीबन एक साल से बंद था ना, एक साल से तकरीबन बंद था, और आज ओपनिंग का टाइम भी आया तो ओपनिंग हुआ भी नहीं। तो चलो कोई ना यार, होता रहता है ऐसा। तो फिलहाल सेपरेट किया गया, जो नहाने वाला था ना बस उसी को इधर उधर करके थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन किया गया, उसको नए तरीके से बनाया गया। तो वो तो भाई अंदर जाने के बाद ही पता चलता, लेकिन अंदर तो जा ही नहीं सकते, तो सिट कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम आपको दिखाएंगे गाइस। तो अभी यहाँ से निकलते हैं अपन लोग। सो अंदर में जो नहाते थे हाँ वैसा ही है, वैसा ही सेम है। हाँ, वो तो बालू भर गया उसमें। और बालू भर गया हाँ। तो बदलाव क्या आया इसमें, नया बना क्या? नया वही रंग पेंट हो रहा है। अच्छा रंग पेंट वाला सिर्फ। सो आप लोगों ने सुना ना, सिर्फ रंग पेंट, बाकी वही है, सारा कुछ वही है, सिर्फ जो कलर ही सब होता है ना बस वही कुछ चेंजिंग हुआ है, बाकी सारा कुछ वही है। अच्छा तो आप लोगों ने सुना ना, सारा कुछ वही जैसा पहले था ना वैसा ही सेम है, बट क्या ही कर सकते, नहीं गए तो भाई उसका तो बात ही अलग है। तो सोच रहे यहाँ पे वीडियो को एंड करेगा इस, क्योंकि यहाँ से ना आपको और भी कुछ दिखाएंगे, जो कि लाइक नवादा का रेलवे स्टेशन बना है ना नया, तो वो रेलवे स्टेशन भी आपको दिखाएंगे, तो उसके लिए स्पेशल सा वीडियो लाएंगे। तो सोच क्या ची बोल रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। किधर जा रहे हो छोड़ो? ककुला जा रहे हैं। एंट्री है तुम लोग का? पापा तो खाना। अच्छा वहाँ पे काम कर रहे हैं ना। अंदर बदलाव क्या होता होगा छोड़ो, अंदर क्या काम हो रहा है उसमें? उसमें मसाला बनाता है और घर बनाता है। अच्छा बस वहाँ पे घर बन रहा है अंदर। जैसे बोल रहे ना कि ककुलत बंद था, बंद क्यों था? बंद क्यों था, जब आ गया था बाढ़ पूरा हाँ, तो उसने बनाया घर, तो जानता है कुछ टूट फूट गया होगा ना हाँ। अच्छा तो उसी को रिपेयर किया जा रहा है हाँ।
चलो तो आप लोगों ने सुना ना भाई, कुछ मतलब टूटा फूटा था उसी को रिपेयर कर रहे थे, प्लस पेंट वेंट जो कि भैया बताएं। सो अब सोच रहे हैं गाइस यहाँ पे वीडियो को एंड करें। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम गाइस, हर हर महादेव, बाय बाय।